गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, फौजी शेख, ऑल द गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, और सबसे पहले तो मुझको ये बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी TSR नेट की, जरा मुझे बताएं फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहिल। चलिए तो ज्वाइन हो जाएं और सेशन को शेयर भी करें, क्योंकि तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सब स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर सीरीज चल रही है, तो इसको डेली लाइव अटेंड करें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आई होप सभी लोग अच्छे हैं और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट आपका CSR नेट ही होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आपका अब वही है। तो इस बार CSR नेट को आप लोग क्रैक करो, ना केवल कट ऑफ मार्क से बल्कि बहुत अच्छी रैंक से और बहुत अच्छे मार्क्स से। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो तैयारी अच्छी चलनी चाहिए। खासकर मैं बात करूंगा यहाँ पे आपसे पार्ट ए के, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स, खासकर मैं बात करूंगा लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को पार्ट ए में बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उन्हीं को फोकस रखते हुए ये सेशंस हम कर रहे हैं। वैसे तो जनरल एप्टीट्यूड्स हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि हर एक, चाहे आप लाइफ साइंस में हो, चाहे फिजिकल साइंस, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स, हर एक में ये पार्ट ए तो आता ही है। बिल्कुल, गेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि गेट और CSR नेट में जो आपका जो सिलेबस है 70-60% सेम रहता है, ठीक है। तो आप इसको अगर करोगे तो बिल्कुल हेल्प आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, यानी कि जो आज का जो हमारा सीरीज है, दैट विल बी ऑब्जर्वेशनल स्किल, ठीक है, दैट विल बी ऑब्जर्वेशनल स्किल। बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा यहाँ पे अपने दिमाग को लगाने का, पूरा अपना ब्रेन यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये आज के जो सवाल है, दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशनल स्किल, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया जाए, बताएं भाई। जरा फटाफट से मुझको बताएं क्या स्टार्ट किया जाए, आर यू रेडी गाइज? तो मुझे कमेंट सेक्शन में पहले लिख दीजिए कि रेडी। IFS की बुक लेनी चाहिए, 2 मंथ है। देखो, अगर आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है तो IFS की बुक यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे PYQ दे रखे हैं टॉपिक वाइज। जैसे कि यूजुअली आपने बुक में देखा होगा प्रीवियस ईयर के, आपको सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं वहाँ पे, हर एक पूरे पेपर सॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, तो नंबर सिस्टम के पिछले 10 से 12 साल के जितने भी सवाल आए हैं वो तो सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। उसी तरह से हर एक टॉपिक के आपको PYQ अलग अलग हमने कर रखे हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू डू PYQ। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं? स्टार क्वेश्चन मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? स्टार क्वेश्चन मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये रहा। थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है और उसके बाद आंसर करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, थोड़ा सा सोचिए और उसका आंसर करिए। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे फौजी शेख, तो इसमें डिटेल में हम एक बार चर्चा ज़रूर करेंगे। तो अभी आप इसको देख लें क्वेश्चन को, ठीक है। कल का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कौन सा वाला क्वेश्चन? कल मैंने कोई क्वेश्चन दिया था क्या आप लोगों को? ये मुझे कंफर्म करना ज़रा, क्योंकि हम उसको, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो मैं उसको, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। पहले इस सवाल को करें, बहुत ही शानदार है।
ओके दिया था ना। ओके चलिए अभी देख लेंगे कल जो सवाल मैंने दिया था। तो इसका आंसर करिए भाई ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 के बीच में कंफ्यूजन। ओके टेट्रा हाइड्रन एक स्ट्रक्चर है टेट्रा हाइड्रन, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो टेट्रा हाइड्रन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशन इसमें इंक्लूड है। तो कह रहे हैं अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज यूज टू मेक आ टेट्राहाइड्रन ऑफ ईच एज 1 मीटर, यानी कि मेरे पास एक 6 मीटर लंबा तार है, एक 6 मीटर लंबा तार है जिसको मुझे टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो मैं करूंगा क्या, कह रहे हर जो एक एज है वो 1 मीटर की होनी चाहिए। तो आपको फिगर भी दे रखा है तो देखो, कह रहे हर एक जो साइड है वो 1 मीटर की होनी चाहिए, ये वाली साइड भी 1 मीटर की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 6। तो एक टेट्राहेड्रन के अंदर 6 साइड्स होती हैं, ये तो आपको पता लग गया। अब 6 मीटर के लेंथ को एक एक मीटर हर एक साइड में मुझको बांटना है, तो मुझको ये बताना है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द वायर हैज़ टू बी कट, कि कम से कम मुझे उस वायर को कितनी बार काटना पड़ेगा। तो मिनिमम का क्वेश्चन है, कम से कम बार काटना है, जरूरत होगी तभी काटना है, जरूरत नहीं होगी तो नहीं काटना है। अब जरा ध्यान से देखें, अब इस वायर को अगर मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो 1 मीटर का वायर ये है भाई 1 मीटर। उसके बाद मैंने इसको बिना काटे इसको बैंड कर दिया, क्या कर दिया, बैंड कर दिया, मोड़ दिया, अभी कट नहीं किया है, ठीक है। तो 1 मीटर ये हो गया। उसके बाद सी से लेके मैं ए तक ले गया इसको बैंड करके विदाउट कटिंग, 1 मीटर ये हो गया। उसके बाद मेरा मन करेगा इसको नीचे की तरफ ले जाने का, इधर 1 मीटर ये हो जाएगा। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं डी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ले जाऊं या डी पॉइंट से सी पॉइंट तक ले जाऊं, यानी कि मुझे अब इसको या तो बी पॉइंट तक ले जा सकता हूं या सी पॉइंट तक। अगर मैं बी पॉइंट पे ले गया बैंड करके तो यानी कि 1 मीटर ये। अब मेरा जो डीसी साइड है ये बच गया, इस डीसी साइड पे वायर लगाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको एक बार कट करना पड़ेगा कि नहीं, ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे 1 मीटर का जो वायर बचा है उसको उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स विल बी, कम से कम इसको एक बार काटना पड़ेगा, बिना एक बार काटे मैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को नहीं बना पाऊंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। सिंपल कोई परेशानी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलें अगले सवाल पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। करें से 60 सेकेंड का समय लें और इसको करें। जैसा सवाल में कह रहा है वैसा करके देखिए, जब तक कॉपी और पेन उठा के आप लोग नहीं करोगे ना कॉपी पे, तो क्वेश्चन तब तक कठिन लगेगा। जैसे ही स्टेप वाइज आप इसको करना शुरू करोगे तो खुद ब खुद सवाल का आंसर आ जाएगा। करिए आंसर।
क्वेश्चन बस पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा कि क्या पूछ रहा है, अगर एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं। देखिए कह रहा, अ लार्ज टैंक फिल्ड विद वाटर इज टू बी एम्प्टीड बाय रिमूविंग हाफ ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन इट एवरी डे। यानी कि जितना भी पानी एक वाटर कंटेनर के अंदर है, हर एक दिन उसमें से मैं आधा पानी निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं उसमें से आधा पानी रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें 100 लीटर पानी है, तो अगले दिन मैं इसमें से आधा पानी निकाल देता हूँ, तो कितना पानी बचेगा? 50 लीटर। फिर अगले दिन 50 लीटर का भी आधा पानी मैं निकाल देता हूँ, तो कितना पानी बचेगा? 25 लीटर। इस तरह से मैं आधा आधा पानी हर एक दिन में निकाल देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल देयर बी क्लोजेस्ट टू 10% वाटर लेफ्ट इन द टैंक। कह रहा है कितने दिन बाद जो पानी बचेगा उस टैंक के अंदर, वो 10% पानी बचेगा, क्लोजेस्ट टू 10%। बहुत आसान है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे 100 माना था, तो मान लो कि 100 लीटर पानी है, ठीक है, 100 लीटर मान सकते हो, 100% मान लेते हो, एक ही बात। मान लो इनिशियली ये टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें 100% वाटर है। पहले दिन मैंने क्या किया, पहले दिन इसमें से आधा पानी निकाल दिया, यानी कि अब बचा इसमें केवल 50% पानी। हर एक दिन में इसमें से आधा पानी निकाल दिया जा रहा है, ये तो पहले दिन की बात हो गई। सेकेंड डे मैंने इसमें से और आधा पानी निकाल दिया, यानी कि ओनली 25% लेफ्ट, केवल 25% पानी इसमें बचा, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ डे, सॉरी थर्ड डे, 25 का भी आधा पानी इसमें बचा, यानी कि 12.5%। और उसके भी अगले दिन इसका भी आधा पानी इसमें बचा, यानी कि 12.5 का आधा 6.25। अब जरा ध्यान से मुझको बताइए, इसमें से कौन सी वैल्यू क्लोजेस्ट टू 10% है, यानी कि 10% के जो क्लोज हो, क्या 12.5 है या 6.25? 10% के पास होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली 12.25 है। यानी कि थर्ड डे, यानी कि 3 दिन इसको लग जाएंगे जिससे कि पानी उसमें 10% के क्लोजेस्ट हो जाए, यानी कि 3 डेज। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, सबों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्लोजेस्ट टू 10% विल बी 12.5%। चलिए अगले सवाल पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझ आ गया ना। नेक्स्ट ये देखो, ये सवाल बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, तो देखते हैं इसका आंसर कौन करेगा भाई। देखिए देखिए, थोड़ा सा सोचना है, तो क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, ठीक है, सीधा भी है सीधा नहीं भी है, जैसा आप सोच पाओ। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2 भी आंसर आ रहा है,
अब जरा ध्यान से सुन। देखिए सवाल कह रहा है, अगर 10 कैट 10 माइस को पकड़ लेती है, 10 चूहों को 100 चूहों को पकड़ लेती है 100 मिनट के अंदर, तो हमको बताइए कितना टाइम लगेगा, यानी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 7 कैट टू कैच 7 माइस। 7 कैट्स को 7 माइस को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप सोचोगे यूजुअली ह्यूमन माइंड क्या सोचता है, अगर 100 कैट हैं 100 माइस को पकड़ रही है 100 मिनट में, तो 7 कैट होंगी 7 माइस को पकड़ेंगी 7 मिनट के अंदर, ऐसा ही सोचोगे। लेकिन ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। जरा ध्यान से सुनिए इसको, जरा इस तरह से सोचिए। 100 कैट्स हैं और 100 माइस को पकड़ रही है, यानी कि हर एक कैट को कितने माइस को पकड़ना है? एक को। हर एक कैट एक चूहे को पकड़ेगी, तो 100 बिल्लियां 100 चूहे, बात समझ में आती है। और कह रहा है कितने में? 100 मिनट के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके 100 मिनट भी क्या मेरे पास आ सकते हैं? सबके इंडिविजुअल टाइम तो सबके पास रहेगा ना, यानी कि 100 बिल्लियां हैं, हर एक कैट के पास खुद के अपने अपने 100 मिनट होंगे कि नहीं? तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक कैट को, एक माइस को पकड़ने में कितना समय लग रहा है? 100 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि टाइम तो सबों का सभी के पास होता है, यानी कि 100 मिनट मेरे मेरे पास है, 100 मिनट आपके आपके पास है, वैसे ही 100 मिनट हर एक कैट के अपने पास होंगे, इसका मतलब ये। तो इन शॉर्ट यहाँ से ये समझ में आया, 1 कैट को 1 माइस को पकड़ने में 100 मिनट लगते हैं, वैसे ही 7 कैट को 7 माइस पकड़ने हैं, यानी कि हर एक कैट को एक माइस पकड़ना है, तो कितना टाइम लगेगा भाई? 100 ही मिनट तो लगेंगे, यानी कि 100 मिनट। समझ में आती है बात सबों को? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 100 मिनट लगेंगे हर एक कैट को एक माइस को पकड़ने। नहीं समझ आया क्या किसी को? बताए मुझे, जिसको नहीं आया तो बताए मुझे, मैं दोबारा से समझा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। सोचना है, विचार करना है, उसके बाद आंसर करना है। अगले सवाल पे आइए। ओके, नेक्स्ट।
बट वी हैव टू फाइंड, कह रहे एन आंट गोज फ्रॉम ए टू सी इन द फिगर, यानी कि एक आंट को ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है। इन द फिगर क्रॉलिंग ओनली ऑन द लाइन्स एंड टेकिंग द लीस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि इन लाइन के ऊपर चलना है पहली कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन है इसको लीस्ट पाथ कवर करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस तरह से घूमते हुए जा रही है, शॉर्टेस्ट पाथ इसको कवर करना है, कंडीशन नंबर टू ये दे रखा है। अब कह रहे द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन डू सो, कि कितने तरह से ये ऐसा कर सकती है। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पाथ, बताइए भाई। आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर टू, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं टू, फिर वन, फिर फोर, फिर थ्री। ओके, सभी आंसर कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए, अगर मैं ए से टी तक जाना चाहता हूं, तो देखो ये जो लाइन है ना, हर एक लाइन को आप वन वन यूनिट का लाइन मान लो, ये जो लाइंस हैं सबको वन वन यूनिट का लाइन मान लो। अब जरा ध्यान से देखो, ए से बी जाएगा कितना यूनिट, वन प्लस वन टू यूनिट, और टू यूनिट ये हो गया, यानी फोर यूनिट ट्रेवल करेगा ए से लेके सी तक जाने में, पहला। दूसरा, इसका मन करेगा इस तरह से जाने का, कैसे इसका मन करेगा इस तरह से जाऊं, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ भी फोर यूनिट कवर कर रहा है, यानी कि दो कितने वेज हो गए, टू वेज। आगे देखो, अब इसका मन करेगा इस तरह से जाने का, यहाँ से यहाँ भी चार यूनिट हो गई, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसका मन करेगा अभी इधर से जाने का, इधर से नीचे से ऐसे, ये भी चार यूनिट है, एक ये दो तीन चार, यानी कि दो पाथ ये हो गए प्लस। आगे देखो, आगे भी पाथ बन रहा है कोई, अब इसका मन करेगा ऐसे जाने का, देखो ऐसे गया सीधे, फिर नीचे गया, इस बार मुड़ेगा नहीं, इस बार सीधे नीचे आ जाएगा, एक दो तीन और चार, समझ में आ गया। अब देखो आगे, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और इसका मन करेगा इस तरह से, देखो मैं इससे समझा देता हूँ, देखो ऐसे दिख रहा है, एक दो तीन और चार, यानी कि दो ये हो गए कुल मिला के छह, देर विल बी सिक्स पाथ। ठीक है, कोई दिक्कत? दोबारा से देख लो, पाथ छह पाथ बन रहे, आप चेक करके देख लो कौन कौन से। देखो एक तो ये बन रहा है, एक एक ये बन रहा है, इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, इधर गए, दो, एक इधर से बना लो, तीन, एक इधर से बन जाएगा, चार, एक इधर से बन जाएगा नीचे की तरफ, पांच, और इधर से एक रह गया था कोई सा, ऐसे करके छह। ठीक है, कुल मिला के छह बनेंगे, छह से ज्यादा नहीं। दो क्यों लिया, क्योंकि दो दो करके पाथ बन रहे ना, देखो ना, हमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, कितने तरह से वो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा सकता है, वी हैव टू फाइंड दैट। तो आपको इस तरह से देखना है यहाँ पे, समझ में आ गई बात? एक ये बन रहा था, एक ये बन रहा है दो, एक ये बन रहा है तीन, एक ये बन रहा है चार, ये वाला, और एक ऐसे ही करके नीचे की तरफ बना लो पांच, और एक ऐसे ही करके इधर से ले आओ और सीधे नीचे ले आओ, इधर नहीं, कुल मिला के छह बने। ना इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ऐसे गिनना पड़ेगा, ठीक है, आपको गिनना ही इसको पड़ेगा, और कोई इसका मेथड नहीं है। ओके, चलिए आगे। करिए इसे,
कल मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर विदाउट कैलकुलेशन वाले कितने सवाल आते हैं। देखो यहाँ पे ये सारे विदाउट कैलकुलेशन वाले ही सवाल, ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इन सवाल को ज़रूर करके आना जिनका मैथमेटिक्स और जो कैलकुलेशन पार्ट इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस तरह के सवाल को ज़रूर कर। ओके समझ आया क्वेश्चन? ठीक बताइए भाई। देखो अमीवा के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है अमीवा आर नोन टू डबल इन 3 मिनट, यानी कि जो नंबर ऑफ अमीवा है हर 3 मिनट में उनकी जो संख्या है डबल हो जाती है। अगर अभी किसी एक वेसल के अंदर 2 अमीबा हैं, अगले 3 मिनट में वो डबल हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। वो क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल वेसल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कंटेन 1 एंड 2 अमीबा टू स्टार्ट विथ। ठीक है, एक वेसल है ए, एक वेसल है बी। ए के अंदर और बी के अंदर इसमें 1 अमीबा है और इसमें 2 है, ठीक है, एक में एक है और एक में 2। द वेसल बी गेट्स फिल्ड इन 3 आवर्स, जो वेसल बी है 3 घंटे में ये पूरी तरह से भर जाता है। तो कह रहे व्हेन विल ए गेट फिल्ड, ए कब भरेगा, ए वो वेसल को कब भरेगा। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो देखो एक बार में हमको देखने में लगता है, इसमें 2 अमीबा है सर, इसमें 1 अमीबा है, इसमें अगर 3 घंटे लगता है तो इसमें डबल टाइम लगेगा क्योंकि तो इसमें एक ही है। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है ना कि हर 3 मिनट में डबल हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुने, अगर मैं बी वाले को थोड़ी देर के लिए रोक दूं, 3 मिनट के लिए रोक दूं, तो मैं कहूं एक से आप 3 मिनट बाद आओ, तो ये कहेगा 3 मिनट में मैं डबल होके आ जाऊंगा, यानी कि ए को 3 मिनट लग गए इसको डबल करने में, 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बी, यानी कि बी ने 3 घंटे में पूरी तरह से वेसल को भर दिया है और ए ने 3 मिनट में एक से अमीबा 2 बना दिए। अब मैं दोनों को स्टार्ट करता हूँ, ए और बी को, तो ये 3 घंटे में अगर भर जाता है तो ये भी तो 3 घंटे में भरेगा, और पहले जो 3 मिनट लिए थे इसने एक से दो होने में, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा ये, यानी कि 3 और 3 मिनट। ये कौन कौन समझ पा रहा है बताएं जरा, है अच्छा सवाल। यानी कि 3 घंटे 3 मिनट लग जाएंगे इसको पूरी तरह से भरने में, क्योंकि अगर मैं ए वाले को 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दूं तो एक जो ए वाला वेसल है 3 मिनट में डबल हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा, हो गया 2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। अब ये 2 से पूरी तरह से फिल होने में 3 घंटा लगा देता है, तो ये भी तो 3 घंटा लगाएगा, और 3 मिनट पहले जो हमने यूज़ कर रखे थे दैट इज 3 आवर्स एंड 3 मिनट। समझ में आ गया? मैं दोबारा से समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखें इस चीज को। देखो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक वेसल ए है एक बी है, बी पूरी तरह से वेसल को अमीवा से भरने में 3 घंटे लगा देता है, ठीक है, 3 घंटे लगा देता है। अब कह रहे ए अगर पूरी तरह से अमीवा से भर जाए तो कितना समय लगाएगा, ठीक है, दोनों वेसल एक ही बराबर है ये तो हमको पता है, आइडेंटिकल है वेसल। अब इसको
दो अमीबा से पूरी तरह से फिल करने में 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही अमीबा है भी, और ये भी पता है हर 3 मिनट में डबल हो जाते हैं। तो अगर मैं ए वाले वेसल को 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दूँ, 3 मिनट अगर मैं एक्स्ट्रा दे दूँ, तो ये तब तक 1 से 2 बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, ये समझ में आता है? अगर ए वेसल को 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाए तो ये 1 से अमीबा 2 बना देता है, यानी कि डबल हो जाता है। अब दोनों एक ही लेवल पे आके खड़े हो गए कि नहीं, वेसल ए भी 2 अमीबा लेके बैठा है और वेसल बी भी। अब बी वाले वेसल को 3 घंटे लग जा रहे हैं, तो ए को भी 3 घंटा लग जाएगा ऑब्वियसली। और जो 3 मिनट मैंने इसको एक्स्ट्रा दिए थे शुरू में, वो 3 मिनट को भी काउंट कर लो, क्योंकि मुझे करना क्या है, इस वेसल को पूरी तरह से भरना। इसको भरने के लिए यहाँ पे 3 घंटा 3 मिनट का समय लगेगा। हाँ जी, ए वाले वेसल में 1 अमीबा था, अब ये कह रहा है इसको पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने ए वाले वेसल को 3 मिनट दे दिए पहले, ठीक है, 3 मिनट अगर एक्स्ट्रा दे देता हूँ तो वो डबल कर देता, यानी कि 1 से 2 कर देता। अब ए वेसल में भी 2 है, बी वेसल में भी 2 है, तो बी वेसल 3 घंटा लगाएगा, तो ए वाला वेसल भी 2 अमीबा के साथ 3 घंटा लगा देगा। बाकी 3 मिनट हमने ऑलरेडी यूज कर लिए थे, 3 घंटे 3 मिनट का समय लग जाएगा। स्टॉप किया है, लेकिन आपको वही तो थिंकिंग लगानी है अपनी, वही आपको अपनी थिंकिंग पावर लगानी है, क्योंकि तो हमको निकालना है समय, ठीक है। सवाल में हम तो हमसे तो ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ स्टार्ट किया गया है, अगर दोनों को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा तो बी वाला वेसल 3 घंटे में भर लेगा, लेकिन ए वाला वेसल 3 घंटे 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि तो हमेशा वो जैसे कि 1 से ये 2 हैं, अगले मिनट में ये 2 हो जाएंगे, ये अगले मिनट में 4 हो जाएंगे, ये अगले मिनट में 4 हो जाएगा, ये अगले मिनट में 4 से 8 हो जाएगा, इस तरह से, यानी कि ये हमेशा 3 मिनट पीछे चलेगा, तो लास्ट में जाके ये 3 मिनट बाद में ख़त्म होगा, वही 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें 1 है तो इसमें 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 4 है, इसमें 4 है तो इसमें 8 है, यानी कि ये हमेशा 3 मिनट पीछे रहेगा। कौन सा वाला? ए वाला वैसे, इसमें 3 मिनट बाद में ऐड करने पड़ेंगे, दैट्स वाई वी आर एडिंग 3 मोर मिनट्स, ठीक है, क्लियर? आगे काउंटिंग द फिगर्स से भी सवाल बहुत बार बनते हैं। काउंटिंग द फिगर्स यानी कि फिगर को काउंट करना, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये हर साल बनते हैं। ट्वेंटी 9, ओके, ठीक देखिए, अगर आप इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, स्क्वायर का मतलब होता है यानी कि सारे की सारी साइड्स में बराबर होती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स वाले फिगर्स को काउंट नहीं करो,
ठीक है, स्क्वायर्स में कभी भी रेक्टेंगल को काउंट नहीं करते। अब जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 6 यानी कि 12, ये कुल मिला के 12 है, 12 और ये 4 16, 16 और ये 4 20, ठीक है। 20 तो आपके इंडिविजुअल फिगर्स हो गए, यानी कि जो इंडिविजुअल जो फिगर है दैट आर 20। अब कैसे काउंट करना है, देखो 1 बाई 1 वाले तो हो गए 20, 1 बाई 1 का मतलब जो इंडिविजुअल फिगर्स हैं ये वाले, दीज आर ऑल 20 फिगर्स। नेक्स्ट, अब आपकी बात आएगी 2 इंटू 2 वाले, 2 इंटू 2 वाले मतलब ये भी एक स्क्वायर है, 1 2 2 में देखो यहाँ से काउंट करूँगी ऐसे, ये वाला, समझ पा रहे हैं, अगर 1 ये है तो 2 ये वाला हो जाएगा, देन 3 4 5 5 स्क्वायर हो गए। आगे देखो 6 7, ठीक है। अब ये वाला काउंट नहीं करूंगा मैं फिर से, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ, जब ऊपर से नीचे काउंट किया था तो ये वाला काउंट कर चुका हूँ मैं, तो 7 तो ये हो गए, फिर ये होगा हमारा 8 और ये होगा 9, यानी कुल मिला के 9, यानी कि 29। इसके अलावा कोई भी स्क्वायर और नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कोशिश किया करो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या दे रखी है ऑप्शंस में उसके पास आया जाए, ठीक है, कोशिश करो 30 के पास आया जाए, तो ऑप्शन होगा आपका 2, क्योंकि 30 है तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, तो यू हैव टू जस्ट काउंट। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट, आगे नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का बेसिकली मतलब क्या है, आप इसमें से 4 साइडेड फिगर को काउंट करना है, वी हैव टू फाइंड 4 साइडेड फिगर, करिए भाई इसको, हाउ टू कैलकुलेट, बताइए भाई व्हाट इज द आंसर, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में हर एक 4 साइडेड फिगर्स आ जाए, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे कुछ, ओके। और बताइए भाई, फर्स्ट यू काउंट द इंडिविजुअल फिगर्स, जो इंडिविजुअल फिगर्स हैं उनको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इंडिविजुअल फिगर्स को अगर काउंट किया जाए दैट पर 7, यानी कि 1 इंटू 1 वाले फिगर्स, ठीक है। अब ये वाले फिगर्स को काउंट करो जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसको मैं बोलूँगा 2 बाई 1, 2 बाई 1 वाले कितने फिगर हैं, यानी कि जो रोज हैं जिसमें 2 हैं, एक तो ये हो गया 1,
ठीक है, एक ये हो जाएगा टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। अब वन बाई टू वाले फिगर काउंट करो। वन बाई टू का मतलब जो वर्टिकल फिगर से, जो आपके वर्टिकल फिगर से उसको काउंट करो। वन टू थ्री एंड फोर, चार ये हो गए। आगे अब आपके जो फिगर्स दिख रहे हैं वन बाई थ्री वाले और थ्री बाई वन वाले। वन बाई थ्री का मतलब क्या है भाई? ये वाला फिगर, ये जो दिख रहा है आपको, ये वन, और एक ये जो फिगर दिख रहा है आपको थ्री बाई वन वाला। कुल मिला के सात और चार सात ग्यारह, ग्यारह और चार पंद्रह, सोलह सत्रह। दो फिगर और बच गए हमारे, दो फिगर हमारे और बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखने चाहिए थे टू बाई टू वाले। ठीक है, टू बाई टू, एक ये हो गया बड़ा वाला और एक ये हो गया बड़ा वाला, यानी कि दो। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे 19 फिगर्स बनने चाहिए, राइट? तो जिसका आंसर आ रहा है 19, दैट इज करेक्ट। क्योंकि 20वां फिगर आपको कहीं भी नहीं बनने को मिलेगा, तो देर आर ओनली 19 क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर? आगे अगले सवाल पे चलिए। एटीन नहीं 19 आएगा, जरा ध्यान से इसको देखें। ठीक है, 19 फिगर्स आएंगे। इसको देखें, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमको यहाँ पे फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसको काउंट करिए भाई कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। इलेवन ट्वेल्व, ओके, इलेवन और ट्वेल्व के बीच में आंसर आ रहा। ऑप्शन डी, ओके, ठीक है।
देखो पहले इंडिविजुअल फिगर्स को काउंट कर लो आप। पहले एक ये दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल, दो, तीन, चार, ठीक है, चार तो ये हो गए, पांचवा ये दिख रहा है आपको, और छठा ये देखो, सिक्स, सेवेंथ ये बन जाएगा, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि आठ हो गए, आठ फिगर तो हमको मिल गए। अब जरा आगे चेक करो, यहाँ पे देखिए, एक ये बन जाएगा, एक एक ये नीचे बन जाएगा, दो, ठीक है, और ये बन जाएगा तीन, और ये बन जाएगा चार, यानी कुल मिला के 12, और 12 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बताएं फटाफट से, इज इट क्लियर? ठीक है, अगले सवाल पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट यू हैव टू काउंट द फिगर्स। ओके नेक्स्ट। सवाल क्या कह रहा है देखो, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, यानी कि ऐसे रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ना कहा गया हो ना, नॉन स्क्वायर, तो हम स्क्वायर जो स्क्वायर नहीं है उनको भी काउंट कर लेंगे और स्क्वायर वाले भी काउंट कर लेंगे। जस्ट वी हैव टू फाइंड नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स, यानी कि जो स्क्वायर ना, करिए भाई। ऑप्शन बताएं भाई, क्या क्या आंसर आ रहा है? गुड मॉर्निंग शेवा जी, गुड मॉर्निंग। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवन स्क्वायर, यानी सात स्क्वायर दे रखे हैं। वी हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। अब देखो इस वाले फिगर को मैं काउंट नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड ओनली नॉन स्क्वायर्स, वी डोंट हैव टू काउंट द स्क्वायर फिगर। देखो सबसे पहले नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा, वन, टू, थ्री, ठीक है, तीन ये हो गए, चार, पांच, और ये छह, सिक्स फिगर्स तो ये हो गए भाई। आगे अब ये भी हो सकता है पूरे का पूरा, है तीन ब्लॉक वाला, एक, दो, और ये तीन, लेकिन तीन ये हो गए, एक और बचा है, एक और बचा है पूरे का पूरा। अगर ये चार वाला ले लोगे, दिस इज ऑल्सो अ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, कुल मिला के 10। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि दिस विल बी क्लियर। बताएं भाई।
9 नहीं होगा, 10 होगा। देखो लास्ट वाला काउंट करना मत भूलना, फोर फिगर वाला। देखो थ्री वाला, इसको देखो थ्री वाला, ये बन जाएगा ना एक, ये वन, ये हो जाएगा। दो और एक ये हो जाएगा। तीन, बाकी एक चार बड़ा वाला, बाकी छह पहले थे, कुल मिला के 10। जस्ट यू हैव टू काउंट, ठीक है? और सीक्वेंस से काउंट करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर कभी भी कुछ भी काउंट करने लगोगे, एक वाला दो वाला एक साथ ही, तो गलत हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा है। तो पहले इंडिविजुअल फिगर्स को काउंट करो, फिर दो वाले, फिर तीन वाले, फिर चार वाले, तो कभी भी रहेगा नहीं कुछ। आगे करिए सर, इस फिगर में आपको मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, व्हाट इज द लॉजिक। अगर लॉजिक आपको समझ में आएगा तो आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है? देखो इसका लॉजिक क्रैक करना मेन चीज़ है, बाकी सवाल तो फिर हो ही जाएगा। 5 8 2 7 9 -5 7 9 9, तो यहाँ पे क्या आएगा? ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको पाओगे कि 5 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक सेकेंड, पोल जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 5 लिखा है ना, तो आप देखोगे 8 और 2 का जो एवरेज है, जो एवरेज वैल्यू है 8 और 2 का, वो कितना आता है? 10/2, यानी कि 5। अगर यही लॉजिक लग रहा है तो यहाँ भी लगना चाहिए फिर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा 8। 8 के नीचे दो नंबर आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 7, एक दिख रहा है 9। तो 7 और 9 का जो एवरेज होगा, यानी कि 16/2, ये कितना होगा 8। इन दोनों नंबरों का एवरेज कितना है? 8। वैसे ही 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 9 और -5। तो 9 और -5 का एवरेज निकाल लो, यानी कि 4/2 कितना आ गया? 2। यानी कि एवरेज निकाला जा रहा है बस। अब देखो जैसे कि 7 लिखा है, तो 5 और 9 का जो एवरेज आएगा वो 7 आएगा, और 9 और 9 का जो एवरेज आएगा वो 9 आएगा। वैसे ही 9 और मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको अगर मैंने एक्स मान लिया तो 9 + x का जो एवरेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है -5। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। जस्ट यू हैव टू करेक्ट द लॉजिक। तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे -10 एंड -9, यानी कि -90। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
सबों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। करिए इसको जरा तब तक। क्या हुआ 10 से 9 होगा ना, मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। पिछले सवाल में 10 माइनस 9 क्यों होगा भाई, माइनस का 19 होगा ना, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो माइनस का 10 और माइनस का 9 होगा, तो माइनस का 19 होगा ना। ऑप्शन नंबर 1, ओके ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 19 कह रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना है आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट। अरे भाई ये देखो ना, 9 + x लिखा है तो माइनस का 10 है, तो 9 अगर उधर जाएगा तो ये 9 माइनस का 9 नहीं होगा क्या, साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी -19, सिंपल। ठीक है देखो कह रहा 14 ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स, यानी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 14 क्या है, गर्ल्स है, बॉयज एंड गर्ल्स, 14 गर्ल्स। 8 स्टूडेंट इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट, तो ब्लू शर्ट पहनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 8। 2 आर नाइदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट, यानी कि ये ब्लू शर्ट पहनने वाले लोग हैं, और ये लोग ब्लू शर्ट नहीं पहनते हैं। ठीक है, अब कह रहे 2 आर नाइदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट, तो क्या होंगे वो, ना तो लड़कियां हैं ना ही ब्लू शर्ट पहनते हैं, तो यानी कि अगर लड़कियां नहीं है तो फिर क्या होंगे, लड़के होंगे। नाइदर गर्ल्स कह रहा है यानी कि इसका मतलब वो लड़के हैं, और वो भी कौन से लड़के, जो ब्लू शर्ट नहीं पहनते हैं। तो ब्लू शर्ट ना पहनने वाले जो लड़के हैं वो कह रहा है कितने हैं, 2। समझ पा रहे हो, कह रहा है 2 आर नाइदर गर्ल्स नॉर वियर ब्लू शर्ट, यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली फिर लड़के ही होंगे, और वो ब्लू शर्ट भी नहीं पहनते हैं, तो ब्लू शर्ट ना पहनने वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 2 बॉयज। आगे 5 स्टूडेंट हु वियर ब्लू शर्ट, 5 स्टूडेंट जो कि ब्लू शर्ट पहनते हैं, दैट आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं, तो ब्लू शर्ट पहनने वाले 5 लोग लड़कियां हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लू शर्ट पहनने वाले स्टूडेंट कितने, 8, 8 में से 5 लड़कियां हैं, तो बाकी के बचे हुए 3 क्या होंगे, लड़के,
टोटल 8 है जिसमें से 5 लड़कियां हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे बॉयज। आगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14, इन 14 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स हैं जो कि ब्लू शर्ट पहनती हैं, तो बाकी जो बची 14 माइनस 5 यानी कि 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स ये ब्लू शर्ट नहीं पहनती होंगी। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5 प्लस 3 यानी कि 8 एंड 9 प्लस 2 यानी कि 11। 8 लोग ऐसे जो कि ब्लू शर्ट पहनते हैं, 11 लोग ऐसे जो कि ब्लू शर्ट नहीं पहनते हैं, कुल मिला के कितने लोग 19। तो देर आर 19 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास रूम। बात समझ में आ गई, आंसर विल बी 19। क्रिस्टल क्लियर है तो यहाँ पे लिख दो कमेंट सेक्शन में इस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका सवाल और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। इसको जरा करें और बताएं। बताइए भाई, वेन डायग्राम का ये सवाल है, वेन डायग्राम। ऑप्शन टू कह रहे हैं 16, ओके, वन भी आंसर आ रहा है 9। देखें सवाल बहुत बार क्या होता है, आप लोग समझ जाते हो क्या करना है ये भी पता रहता है, लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। जो जो 9 आंसर कर रहे हैं या 16 आंसर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट दोनों को ही पता होगा, लेकिन सवाल जो क्या पूछना चाह रहा है वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सही से देख नहीं ले। देखिए कह रहा है स्टूडेंट इज फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ, यानी कि स्टूडेंट या तो ओनली केमिस्ट्री पढ़ सकता है या केवल बायोलॉजी पढ़ सकता है या दोनों सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट केमिस्ट्री हैज बीन चूजन बाय 16 एंड बायोलॉजी बाय 25। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने 32, उन 32 स्टूडेंट्स में से कुछ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं 16, बायोलॉजी पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 16 केमिस्ट्री वाले, 25 बायोलॉजी वाले। इसमें से अगर मैं सारे के सारे स्टूडेंट को मैं माइनस कर दूंगा
तो कौन से वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये समझ में आती है बात? यानी कि दिस विल बी 41 माइनस 32 यानी कि 9। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना है ओनली केमिस्ट्री वाले कितने लोग हैं, यानी कि टोटल केमिस्ट्री वालों में से बोथ वाले माइनस कर दूंगा, यानी कि 16 माइनस 9 दिस विल बी 7। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चोजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने वाले और केमिस्ट्री पढ़ने वाले नहीं, यानी कि केवल क्या पूछ रहा है, ओनली बायोलॉजी वाले, तो केवल और केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सारे के सारे बायोलॉजी वाले कितने हैं, 25, इसमें से बोथ वाले माइनस कर दूंगा तो ओनली बायोलॉजी वाले आ जाएंगे, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो यही हमसे पूछ रहा है, दिस इज द आंसर, जो सवाल पूछ रहा है उसी का ही आंसर करें, आंसर विल बी 16। इज इट क्लियर? बताइए, वी हैव टू जस्ट फाइंड ओनली बायोलॉजी, तो केवल बायोलॉजी पढ़ना पसंद करें। 25 माइनस 9। ठीक है, किसी कोई परेशानी तो मुझको यहाँ पे बताएं, मैं दोबारा समझा दूंगा, फिर उसके बाद सेशन को यहीं तक रखते हैं और फिर कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आएंगे। इसको मैं दूसरी तरह से भी आपको समझा सकता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखो, देखिए, अगर मैं मान लूँ जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्स हैं, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं, ये जो 16 स्टूडेंट्स हैं ये एक्चुअल में केवल और केवल केमिस्ट्री वाले भी हैं और दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी, मैंने काउंट कर लिए हैं, फिर टोटल मिला के 16 स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री पढ़े। सिमिलरली बायोलॉजी वाले ओनली बायोलॉजी एंड बोथ वाले काउंट कर लिए तो 25 स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओनली केमिस्ट्री वाले बताओ, ओनली केमिस्ट्री वाले, तो आप बोलोगे टोटल केमिस्ट्री वाले, इसमें से अगर मैं बोथ वाले माइनस कर दूं तो दीज आर द स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री। सिमिलरली अगर मैं ओनली बायोलॉजी पूछूं तो आप बोलोगे 25 स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी वाले, इसमें से मैं बोथ वाले माइनस कर देता हूं। अब ओनली केमिस्ट्री वाले प्लस बोथ वाले और ओनली बायोलॉजी वाले सबों को अगर मैं प्लस कर दूं तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं 32 इसके बराबर होगा कि नहीं? होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 16 प्लस 25 विल बी 41 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 9, यानी कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 9, तो ओनली बायोलॉजी वाले कितने हो जाएंगे, 25 माइनस एक्स यानी 16, ऐसे भी समझ सकते हो उसको। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सवाल आपका। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना, और इस क्वेश्चन का आंसर प्लस पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उन दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल, और
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना, और साथ ही साथ मुझको बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो सीरीज़ है ये हेल्पफुल है। अगर ये हेल्पफुल लग रही है तो इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मुझे, और इसका आंसर एज वेल एज दिस सीरीज़ यूजफुल फॉर यू गाइस और नॉट, ठीक है? टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस, और ऐसे ही करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी जनरल एप्टीट्यूड में, आपका सारे का सारा पार्ट यहीं पे हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बुक ज़रूर होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, जिससे आप खुद की प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, कल का क्वेश्चन मैं आप कल ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है वाला, कल मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन, तो इसको भी बताऊंगा और लास्ट क्वेश्चन को भी, ठीक है? टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।